हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करने वाले लेक्चर टू करंट इलेक्ट्रिसिटी कल के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बात किया था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है एवरेज करंट क्या होता है इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है ठीक है उनके बेसिस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे कि एवरेज करंट कैसे निकालते हैं इफ क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी हमें गिवन है या हमें आई एज अ फंक्शन ऑफ़ टी है तो हमें इंटीग्रेशन करना है क्यू एज़ अ फंक्शन ऑफ टी है तो डिफ्रेंशिएशन करके आई एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल लेंगे और आई एज अ फंक्शन ऑफ टी गिवन है तो इंटीग्रेट करके क्यू एज़ अ फंक्शन ऑफ टी निकाल लेंगे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके बाद हम लोगों ने बेसिक एनालिसिस किया था कि करंट डेंसिटी क्या होता है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है ऑम स्लो में बेसिक वाइफरकेशन देखा था कनेक्टिंग वायर्स और लाइव वायर यू कैन से उनके बीच में देखा था कि अगर एक लाइव वायर कनेक्टेड है तो लाइव वायर के अक्रॉस हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है और हम सर्किट में कहीं पर भी एक पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस उससे हमारे कैलकुलेशन हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है ट्रिक है वो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाती है उसके बाद हम लोगों ने कुछ एनालिसिस किया था कि करंट डेंसिटी के बाद हमने ओम स्लो देखा था हमने वी ए माइनस वी बी दिस इज कॉस टू आई इन टू आर देखा था और ये सब चीज़ों पर हम लोगों ने अपने लेक्चर्स को वाइंड अप किया था आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे और अपने लेक्चर को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स को कम खत्म किया है अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने क्या देखा था याद करो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो ठीक है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो होता है लेकिन वो कब होता है जब एक कंडक्टर आइसोलेट होता है यानी उस कंडक्टर के आसपास कोई दूसरा हम लोगों ने कंडक्टिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है। चलिए बच्चों अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो चलिए आप समझाता हूं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अन आइसोलेटेड कंडक्टर एंड अन कनेक्टेड कंडक्टर देखिए बच्चों आइसोलेटेड कंडक्टर में हमने देखा था कि जब भी हम एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या हुआ था बच्चों कंडक्टर्स के पास फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन जो कि कंडक्टर है और जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बाउंडिड कि भैया अगर उनको चलना होगा तो वो विद इन दी सरफेस बाउंड्री चलने वाले हैं क्योंकि इसके अलावा देखिए इस कंडक्टर को देख लो या ये कंडेक्टर देख लीजिए आप कोई भी कंडक्टर ले लो आप दोनों कंडक्टर में आप लोगों ने एक देखा है कि ये एक आइसोलेट है अब इनके आसपास कोई दूसरी दूसरा कंडक्टर हम लोगों ने नहीं रखा अगर दोनों को ही मैं कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ बच्चों देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या हुआ था बच्चों जल्दी देखिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगा फोर्स लगा तो वो क्या हुआ बच्चों वो यहाँ पर इंड्यूज हो गए ठीक है ना इंड्यूज हो गए अब इनके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का सिमिलरली अगर इसको मैं ए नाम दे देता हूँ इसको बी दे लेते हैं तो बी में भी ऐसे ही होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूज होंगे जिसके कारण बच्चों हमारे पास एक इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाली रेड वाली को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ बच्चों और ये हमारे पास ई e इंड्यूज तो इनके कारण क्या हुआ था बच्चों इनके कारण इलेक्ट्रॉन्स तब तक दौड़ेगा जब तक दोनों का मैग्नीट्यूड बेसिकली इलेक्ट्रोस जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है और जो इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी दोनों बराबर ना हो जाए बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा बच्चों मजबूर हो जाएगा इस पर इधर फोर्स लगेगा एफ एक्सटर्नल और इधर फोर्स लगेगा एफ इंड्यूस्ड जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करना बंद कर देंगे तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों ये विद इन माइक्रोसेकेंड्स होता है जैसे आपने कंडक्टर उठाया इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जो ये इलेक्ट्रॉन्स के इंड्यूज होने का प्रोसेस है विद इन माइक्रोसेकेंड्स ये होता है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कर देता है बच्चों जीरो लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल आइसोलेटेड कंडक्टर के, के केस में ये दोनों मैंने आइसोलेटेड कंडक्टर्स के बारे में बात करी अब बच्चों हम थोड़ा एनालाइज करें कि कनेक्टेड कंडक्टर्स क्या होते हैं देखिए सिंपली इसी कंडक्टर को अगर मैं बात करूँ मैंने ये कंडक्टर ले लिया बच्चों ठीक है इस कंडक्टर को मैंने एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया अब जब वायर के साथ कनेक्ट कर दिया तो अब देखिए क्या होगा जैसे ही मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने से क्या होगा बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी अभी भी इलेक्ट्रॉन्स पे तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे लेकिन बच्चों आप देखो दोनों पिक्चर को यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स बाउंड्री अब ये इससे बाहर नहीं जा सकती लेकिन नीचे वाले में दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव क्योंकि इनको एक कंडक्टिंग पाथ मिल गया है अगर कंडक्टिंग पाथ मिल गया है तो ई इंड्यूस्ड अंदर क्या होगा बच्चों जीरो ई इंड्यूस जीरो होगा यानी देर इज नो अपोजिशन ऑफ ई एक्सटर्नल तो बेसिकली कनेक्टेड कंडक्टर के केस में ई e एक्सटर्नल या यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अब वो होता कितना है ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर ई इक्वल टू बच्चों डी वी बाई डी आर डी वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस आर क्या है दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन अगर मैं यहाँ पे मानूँ ये पॉइंट वन ये पॉइंट टू तो इनके बीच का सेपरेशन लेट से एल मान लिया बच्चों ये वी है v क्या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल अगर मैंने इसको जीरो और इसको v मान लिया बच्चों तो विल we'll रियलाइज कि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों v और यहाँ का पोटेंशियल जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने की तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया तो कनेक्टेड कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बात समझ में आई बच्चों क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अभी दो दिन पहले तो हम ये कहते थे कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अभी आप कह रहे हो कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया वहां पर हम लोग आइसोलेट कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे और यहां पर हम लोग कनेक्टेड कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं चलिए बच्चों अब एक टर्मिनोलॉजी हो रही है यहां पर बच्चों जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन एन यहां पर क्या होता है बच्चों यहां पर एन होता है चार्ज डेंसिटी बेसिकली नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ये क्यों डिफाइन किया गया बच्चों क्योंकि अगर हम कंडक्टर्स के बारे में बात करें तो बेसिकली यहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स भी बेसिकली कौन से होते हैं बच्चों जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट मॉशल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो लूजली बाउंस होते हैं और जो भी हमारा कंडक्शन प्रोसेस होता है सबसे ज़्यादा मेजर रोल में यही आते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ बच्चों लेट्स से मैं एक कॉपर ले लेता हूँ कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर मैंने कॉपर ले लिया और कॉपर का वन ग्राम लिया बस वन ग्राम मास मैंने कॉपर का लिया अब मुझे अगर ये पता लगाना है कि इस वन ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है कितनी नंबर ऑफ एटम्स है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कॉपर की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फिग्रेशन देखोगे तो लास्ट वाली शेल में वन आता है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है अगर यहां से इलेक्ट्रॉन टूटा तो वो एक अवेलेबल होगा यानी एक एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं ठीक है अब कितने नंबर ऑफ एटम्स की बात करें सर नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मला हमारे पास होता है बच्चों नंबर ऑफ एटम्स जल्दी बोलो आप लोगों को केमिस्ट्री में पता है गिवन मास बाय मोलर मास

बहुत एक्सेस में एक्सेस में चार्ज कैरियर्स होते हैं दैट्स दैट्सॉरी हम लोगों को यहाँ पर चार डेंसिटी के बारे में डिफाइन करना है एक चीज़ और देख लो बच्चों चार डेंसिटी जैसे मैंने ये कॉपर की ली ऐसी में एल्यूमिनियम अलुमी, की भी यानी कोई भी कंडक्टर की बात करेंगे तो हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी एन होता है कंडक्टर्स का एन अलग अलग कंडक्टर्स का एन अलग अलग होता है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है तो बच्चों ये चीज़ें समझ में आई अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलॉसिटी अब बेसिकली ये ड्रिफ्ट क्या होता है देखिए अगर हम बात करें बच्चों कि जब हमने एक कंडक्टर को लिया तो कंडक्टर में हम लोगों ने देखा कि फ्री चार्ज कैरियर्स तो बहुत होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री चार्ज कैरियर्स है ठीक है सर अब फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत लार्ज अमाउंट में है तो इनिशियली जब वो हम लोगों ने उसको रूम टेम्परेचर पर रखा तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी के कारण जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो रेंडम मोशन वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं और हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों वो क्या करेंगे बच्चों कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट right जा रहे होंगे ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट right से लेफ्ट भी जा रहे होंगे और ये हमने देखा है कि वन ग्राम कॉपर में वन ग्राम कॉपर में बहुत सारे हाई नंबर ऑफ चार्ज केरियर अवेलेबल रहते हैं तो बच्चों ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि पहले हम देखेंगे कि विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा था या कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया यानी उनको एक हम लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स के इन्फ्लुएंस में लेके आ गए जिसके कारण उन पर फोर्स लगा तब वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं तो इन दोनों के केस में हम लोग थोड़ी थोड़ी बेसिक्स बातें देखने वाले और फिर हम ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन करने वाले तो अगर डेफिनेशन देखें तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल सच एज़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटीरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ये अभी समझ में आया बच्चों पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में देखेंगे इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर विल कंडरगेट रेंडमली एट अ फर्मी वेलॉसिटी अभी देखा है हम लोगों ने कि इनिशियली अगर हम बात करें कि कंडक्टर में जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं चलिए तो हम बात करते हैं विदाउट विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं जीरो मान के चल रहा हूँ मान लिया बच्चों मेरे पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ ऐल है बच्चों ठीक है और इसमें बच्चों अब ये तो हमें समझ में आ गया कि बहुत सारे एक्सेस में चार्ज कैरियर्स होती है तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स है ना रेंडमली मूव कर रहे थे बच्चों ठीक है ना बच्चों रैंडमली मूव और इनकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली मैंने यू वन यू टू यू थ्री यू फोर एंड अप टू यू एन इनकी इनिशियल रैंडम वेलोसिटी मान ली बच्चों अब याद करो कल के लेक्चर में हम लोगों ने करंट को डिफाइन किया था करंट बेसिकली क्या होता है बच्चों कि किसी भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हुए जा रहे हैं इन वन पॉसिबल डायरेक्शन लेकिन बच्चों ये देखिए ये हमारे पास इनिशियली क्या है बच्चों ये हमारे पास रैंडम मोशन है तो इस वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं आपको तो रियलिटी में क्या होगा ध्यान से देखना बच्चों इसको जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे मतलब लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में आएंगे तो बेसिकली एवरेज करंट कितना हुआ तो एवरेज करंट तो जीरो हुआ सर तो यही आइसोलेटेड कंडक्टर के, के केस में एवरेज करंट जीरो होता है क्योंकि हमने करंट की डेफिनेशन क्या देखी कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हुए जा रहे हैं इन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम सिंगल डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं तो आई एवरेज कितना हो गया बच्चों जीरो चलिए बच्चों अब रियलिटी में आपको रियल पिक्चर दिखाऊं तो रियल पिक्चर कुछ ऐसा होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है रैंडम इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ना बच्चों वो ब्राउनियन इन जिगज मोशन करता है लेकिन जहाँ से वो स्टार्ट करता है ना बच्चों वहीं पर आता है क्योंकि इनकी स्पीड जो हम थर्मल स्पीड के बारे में बात करें और थर्मल स्पीड बहुत हाई होती है बच्चों टेन की पावर फोर से लेकर टेन की पावर फाइव मीटर पर सेकेंड इट्स अ वेरी वेरी हाई स्पीड तो ये जो स्पीड होती है ना ये बहुत हाई स्पीड होती है तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना इनिशियली इनकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है क्योंकि ए क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत जल्दी 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 क्रॉस करेंगे तो किसी भी टाइम पर देखेंगे तो इनकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों जीरो तो नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया बच्चों अगर हम बात करें नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तो सर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी और हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी यू वन यू टू यू थ्री तो इन सब का एवरेज क्योंकि बहुत सारे लार्ज मेजोरिटी में चार्ज कैरियर है तो हम एक दो की नहीं बात करेंगे हम एवरेज में बात करते हैं तो इन सब का एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों जीरो तो यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू एन डिवाइडेड बाई एन तो इनिशियल यू एवरेज कितना हुआ बच्चों जीरो बात समझ में आई बच्चों तो विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ से दो पॉइंट्स को देखा कि सर जो इनकी स्पीड है थर्मल स्पीड यू कैन से जो इनकी थर्मल स्पीड है बच्चों थर्मल स्पीड तो होगी दैट इज़ टेन की पावर फाइव मीटर पर सेकेंड लेकिन जो विलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है विलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी बच्चों विलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जीरो होगी अच्छा चलिए ये था विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमने क्या किया बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ बच्चों अब ध्यान से देखना बच्चों अब इसी कंडक्टर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाते हैं अब आपको समझ में आ गया सर कुछ नहीं करना हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना है तो चलिए बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं बच्चों तो बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है ये पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लिया बच्चों दिस इज जीरो लोअर पोटेंशियल दिस इज एट हायर पोटेंशियल ये ए पॉइंट मान लिया ये बी पॉइंट मान लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ वो ई इधर हुआ राइट right डायरेक्शन में बच्चों एक बात बताओ एनालाइज करके जो इलेक्ट्रॉन पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था विद यू वन विलोसिटी अब ऐसे बहुत सारे हम एक के बारे में एनालाइज कर लेते हैं अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगा होगा ये तो कन्फर्म्ड है सर बिल्कुल तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा तो फोर्स का फॉर्मुला कितना हो गया बच्चों क्यू इन टू ई अब जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ई माना जाता है तो फोर्स हो गया बच्चों माइनस क्यू इन टू ई माइनस साइन बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स लगा है बच्चों वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है अब ध्यान से देखना जो चार्ज पार्टिकल पहले ए पॉइंट पर निकलना चाहता था या वन पे निकलना चाहता था क्या वो वन पे जाएगा क्या नहीं सर क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई उस पर फोर्स लगाएगा तो बेसिकली फील्ड क्या करेगी उसको वन पे ना ले जाके टू पर लेके जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस केस में कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है अभी अगर नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों तो क्या एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर तो देखिए वन से टू वन पे जाना चाहता था टू पर आया तो बेसिकली दिस इज ड्रिफ्ट ये ड्रिफ्ट हुआ कुछ यानी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई लेट से उसको वी मान लेते हैं अब ध्यान से देखना बच्चों अगर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस पर फोर्स लगा फोर्स लगा तो एक्सेलेशन भी आया होगा क्योंकि वट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सेलेशन फोर्स तो बच्चों हमने क्या देखा एक्सेलेशन कितना है बच्चों एम इन टू ए दिस इज क्वेश्चन टू माइनस ई इन टू ई तो एक्सेलेशन के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ तो बच्चों ई e, बाई e एम अब ये एक्सेलेशन बताइए यूनिफॉर्म है क्या बिल्कुल है सर अगर एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट है बच्चों एक्सेलेशन कॉन्स्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्ल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र वी स्क्वायर माइनस यू स्क्स टू टू एस ये वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं अब ध्यान से देखना बच्चों हुआ क्या अगर रियल एनालाइज कराऊं तो देखिए हुआ क्या कि आपके पास जो एक एटम वो बनाता हूँ एक मटेरियल मान लो ये एक मटेरियल था बच्चों हमारे पास ठीक है दिस इज़ अ मटेरियल और इस मटेरियल में क्या थे बच्चों यहाँ पर आपके पास है ना एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स ये सब रखे हुए जो ये मैं बड़े बड़े सर्कल में बना रहा हूँ दीज आर एटम्स आयन्स मोलिक्यूल्स अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये रेड वाला दिस इज इलेक्ट्रॉन अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में जाएगा नहीं फोर्स लगा स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगा फिर भी क्या होगा तो ये भी सर बहुत सारे कोलिजन से सफर करता हुआ जाएगा क्योंकि ये जैसे ही एक्सलेट होगा फटाक से कोई एटम कोई आयन कोई मॉलिक्यूल कुछ भी इसके रस्ते में आ जाएगा और ये रिटार्ड होता चला जाएगा फिर एक्सेलेट होगा फिर रिटार्ड होगा फिर एक्सेलेट होगा फिर रिटार्ड होगा और ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहता है बच्चों पहली बात दूसरी बात अगर हम बात करें बच्चों कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स चला तो ध्यान से देखना ये पाथ जब तक उसका कोलिजन या यू कैन से कोलिजन होने के बीच का जो ये रास्ता होता है बच्चों इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ दिस इज मीन फ्री पाथ तो बच्चों ये मीन फ्री पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा किस से किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों लैमडा से अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा इलाज करके बताओ मैं मान लो ये आपके पास एक एटम था ये दूसरा एटम तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला यहाँ तक आगे टकराया ये जो टकराने में जितना टाइम देखिए ए से बी तक आने में जो उसको टाइम लगा उस ड्यूरेशन में इसका कोई लीजन नहीं हुआ तो इस टाइम पीरियड को हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं टाव एंड दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम टाव इज वॉट रिलैक्सेशन टाइम अच्छा या यू कैन से टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज इन्होंने एज योर रिलैक्सेशन टाइम अच्छा एक चीज और बताओ बच्चों अभी एक बात बताना बच्चों थोड़ा सा एनालाइज करके चलना मान लो यहाँ से यहाँ तक कोलिजन का टाइम है वन सेकेंड ठीक है बच्चों मैंने क्या किया बच्चों मैंने ना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मैंने है ना टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो ये रिलैक्सेशन टाइम है इस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है क्या ये रिलैक्सेशन टाइम अभी मैं मान लेता हूँ ये टाव वन है बिफोर अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये टाव टू आ गया बच्चों तो मेरे क्वेश्चन है क्या टाव वन टाव टू के बराबर है क्या टाव वन इज ग्रेटर देन टाव टू या टाव वन इज लेस देन टाव टू ये हम लोगों को एनालाइज़ करना है ठीक है अब थोड़ा सा एनालाइज़ कीजिए टेम्परेचर बढ़ाया थर्मल एनर्जी बढ़ी होगी थर्मल एनर्जी बढ़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी आई होगी ज़्यादा एनर्जी आई होगी तो ज़्यादा स्पीड बढ़ी होगी और ज़्यादा स्पीड बढ़ी होगी तो ये जल्दी 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 कोलिजन होगा यानी जो टाइम पीरियड पहले वन सेकेंड का था वो इस केस में हो सकता है वन सेकेंड से कम वन बाय टू सेकेंड लग गया हो बात समझ में आ रही है ना बच्चों तो टाइम पीरियड जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है यानी देर इज अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रिलैक्सेशन टाइम एंड दैट इज कि इजरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम या रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ये रिलेशन आपको याद रखना है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दूसरी चीज जो ये रिलैक्सेशन टाइम होता है ना बच्चों हर एक मटेरियल की अपनी अपनी होती है यानी बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इट इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल चलो जी ये अच्छी बात समझ में आ गई सर हमें अब क्या हुआ सर अब ये बताइए बच्चों एक्सलेशन हमने देख लिया रिलैक्सेशन हमने देख लिया मीन प्री पाथ हमने देख लिया तो अब जो इसकी विलोसिटी में चेंज आया है ना देखिए अब इनिशियल यूवंती एक्सेलेट हुआ तो वी वन आ गए थी वी टू हो गया सिमिलरली ऐसे एन चार्ज की वेलोसिटी चेंज हुई है तो इन्हीं सब का एवरेज यानी अप टू डिवाइडेड बाय दिस एवरेज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी इज नोन एज योर ड्रिफ्ट को इतना ही निकालना था बच्चों तो बस सिंपली अगर मैं बात करूं वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई वीडी बच्चों वी डी इज द नोटेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इट इज नथिंग बट वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री डिवाइडेड बाई वी एन बाय मतलब डिवाइडेड बाय एन तो दिस इज योर ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब बच्चों वी वन वी टू कैसे निकाले इट्स अ वेरी इजी टम सर देखिए वी वन कैसे हो जाएगा वी वन यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाइए तो वी वन दिस इज कॉस्ट टू यू वन प्लस ए एक्सलेशन सबके लिए कॉन्स्टेंट है बच्चों रिलैक्सेशन टाइम टाव वन अब देखिए सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग हो सकता है जैसे इस वाले डायग्राम में देखिए एक क्वलीजन यहाँ पर हुआ ये क्वलीजन यहाँ पर हुआ एक क्वलीजन यहाँ पर हुआ तो इसने टाव वन लगाया इसके लिए टाव टू लगाया इसके लिए टाव थ्री तो सबका टाव अलग अलग हो सकता है कोई टेंशन वाली बात नहीं है सिमिलरली वी टू कितना आ गया बच्चों वी टू इज नथिंग बट यू टू प्लस ए इंटू टाव टू और वी थ्री कितना आ गया बच्चों प्लस ए इंटू टाओ थ्री एंड ऐसे करते करते वी एन कितना आ गया बच्चों यू एन प्लस ए इंटू टाओ एन यू एन प्लस ए इंटू टाओ एन अब इन सबको ऐड करना तो ऐड करते हुए देखिए बच्चों हमने क्या एनालाइज किया सब में से बच्चों क्या करो देखिए वी वन प्लस वी टू प्लस अप टू वी एन डिवाइडेड बाई एन तो ये तो हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई अब यहाँ से देखिए बच्चों यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू एन डिवाइडेड बाई एन तो एक टर्म ये बन जाएगी बच्चों हमारे पास यू वन प्लस यू टू अपू यू एन डिवाइडेड बाई एन अब इस वाली टर्म में से देखना सब में से a कॉमन आ रहा है बच्चों है ना तो a कॉमन ले लूँ a कॉमन ले लिया तो टाओ वन प्लस टाओ टू अपू टावन डिवाइडेड बाय एन चलिए अब अगर पीछे वाला लेक्चर आपको याद है तो ये तो हमने देखा था कि बच्चों इनिशियल एवरेज क्या आया था जीरो क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे थे उतने ही राइट से लेफ्ट जा रहे थे या अगर ए इंटू टाव एवरेज आ गया तो ए क्या है एक्सलेशन अब एक्सिलेशन का फॉर्मुला अभी अभी देखा है बच्चों एक्सलेशन का अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो ई e बायम और साइन के साथ लेके चलना है तो माइनस ई बाई एम तो हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों वी डी दिस इज टू माइनस ई ई टाओ बाय ध्यान रखना बच्चों ई e क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर टाओ क्या है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एम क्या है बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छा एक चीज़ और बताओ बच्चों मुझे बेसिकली जो ये ई e होता है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वी बाई एल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों वी बाई एल यानी अगर मुझे ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल चाहिए तो मैं नहीं लिख सकता हूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों फॉमूला uh, तो फॉर्मूला बड़ा ईजी हो जाएगा सर वी डी दिस इज टू माइनस ई टाओ बाय एम एल इन टू वी ध्यान रखना बच्चों v यहाँ पर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस जल्दी बताइए बच्चों क्या ये समझ में आया और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरी चीज़ ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना बच्चों तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ड्रिफ्ट करते हुए चलेंगे अब इस मामले में हम लोगों ने कुछ एजेंशन मानी है वो क्या बच्चों कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों जैसे आप लोगों ने 26 जनवरी की परेड में देखे ना सभी सैनिक मार्च पास्ट करते हुए सीधा एक स्ट्रीम लाइन मोशन में जाते हैं तो यहाँ पर भी हम यही मानेंगे कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है ना फ्री चार्ज कैरियर्स वो सभी के सभी एक सिंगल डायरेक्शन में जाने वाले हैं एक कांस्टेंट स्पीड से जाने वाले जिसको हम लोगों ने ड्रिफ्ट स्पीड का नाम दिया बात समझ में आई बच्चों चलिए अब जब यहां से ये बात समझ में आ गई तो हमें एक चीज़ समझ में आई बच्चों कि जो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मला है दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूले को अगर हम बोले तो वी डी दिस इज इक्वल्स टू ई टाओ बायम और इसका अगर आप लोगों को थोड़ा और आइडिया बताऊं तो देखिए हमने बोला बच्चों ये एक कंडक्टर है मेरे पास लेट से दिस इज़ अ कंडक्टर ठीक है बच्चों कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बच्चों इस डायरेक्शन में लगा दी राइट right की डायरेक्शन में तो वो बोल क्या रहा था वो ये बोल रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों सिंगल यूनिफॉर्मिटी से मूव करेंगे इन अ सिंगल डायरेक्शन अच्छे बच्चों अब बात ये आती है कि जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना बच्चों ये बहुत कम होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है बच्चों 10 की पावर माइनस टू से लेके 10 की पावर माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड देखिए बहुत कम होती है और वहाँ पर एव वो थर्मल स्पीड कितनी थी बच्चों टेन की पावर फोर से टेन की पावर फाइव मीटर पर सेकेंड बट अगर मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज़ मोर इफेक्टिव थर्मल स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमारा आंसर क्या रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्योंकि बच्चों केवल और केवल ड्रिफ्ट वेलॉसिटी ही है जिसके कारण कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ अब वो करंट की डेफिनेशन देखो बच्चों करंट की डेफिनेशन क्या कहता है कि, कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं इन अ सिंगल डायरेक्शन लेकिन उस केस में लेफ्ट में भी जा रहे थे राइट right में भी जा रहे थे तो आई एवरेज क्या आया था जीरो तो विच वन इज मोर इफेक्टिव ड्रिफ्ट स्पीड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मोर इफेक्टिव ध्यान रखना बच्चों मोर इफेक्टिव ओके एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है ये हम मान के चलने वाले हैं चलिए अब बच्चों अगला टॉपिक देखिए हम बात करेंगे इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन नाउ कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशन देखना है अब बच्चों यहाँ पर हमारे लिए रोल में आता है एन स्मॉल एंड हम लोगों ने क्या बोला था बच्चों स्मॉल एंड हम लोगों ने बोला था कि एन इज़ नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम देखिए बच्चों अगर मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके दिखाऊं बच्चों मान लो यही हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों दिस इज़ अ कंडक्टर वी आर हैविंग अ कंडक्टर हमारे पास है इस कंडक्टर में मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ध्यान से सुनना बच्चों दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे चलिए ठीक है सर अब ये इनिशियली पॉइंट मैं मान लेता हूँ दिस इज पोजिशन वन ठीक है बच्चों अब जो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ये कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं सर वी डी और वी डी कॉन्स्टेंट स्पीड है सर डी टाइम में डी टाइम में इस वाले एरिया को बच्चों इस वाले एरिया को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करके जाएंगे वही तो करंट होता है भाई करंट क्या बोला था हमने कि डी टाइम में इस वाले एरिया को कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करते तो हुए जाएंगे वो क्यू वो क्यों पता लग जाए टाइम पता लग जाए डिवाइड कर दो क्यों बाई टी हमारे पास टाइम आ गया

इस वाले एरिया को इस वाले एरिया को कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्जेस ने क्रॉस किया है तो सर वो सभी चार्जेस ने क्रॉस किया जो इस वाले एरिया में प्रेजेंट है है ना बच्चों पहले वो यहाँ पे थे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे डी टाइम में यहाँ पर आ गए तो पीछे से भी तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ना तो जितने इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो सभी के सभी इस वाले एरिया को पास करते हुए गए अगर ये हमें पता लग जाए तो हमें करंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है चलिए देखिए बच्चों अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब हम लोगों ने क्या किया मान लो बच्चों ये डी इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितने टाइम में बच्चों डी टाइम में ट्रेवल किया है कोई परेशानी वाली बात नहीं है अब एन को देखो एन क्या होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ध्यान रखना बच्चों नंबर ऑफ चार्जेस नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चलिए अब हमें आई का फॉर्मूला पता आई क्या होता है बच्चों आई इज़ नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी आई इज नथिंग बट डी टू डी क्यू बाई

ये एन क्या है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम है बच्चों तो अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर पता लग जाएंगे सही बात है ना नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम वॉल्यूम को कैंसिल आउट करना क्योंकि मुझे तो नंबर चाहिए तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो अब कितनी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँ तो इस वाले जो ये शेडिड रीजन वाली वॉल्यूम है ना बच्चों इससे मल्टीप्लाई कर दो आप अब इसकी वॉल्यूम देखो बच्चों डी इसकी वॉल्यूम देखो डी कितनी हो जाएगी एरिया इन लेंथ एरिया ए इंटू लेंथ कितनी है बच्चों डी एक्स अब ये डी एक्स कैसे है बच्चों डी एक्स कितनी है सर देखिए वी डी स्पीड थी डी टी टाइम है तो डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ डी एक्स को लिख सकता हूँ बच्चों वी डी वी इंटू डी टी बेसिकली ड्रिफ्ट स्पीड इंटू डी टी चलिए अब हमारे पास देखिए डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई डी क्यू की वैल्यू आ गई बच्चों एन इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों ए इंटू वी डी इंटू डी टी ठीक है ये हमारे पास वॉल्यूम हो गई इन टू ई से मल्टीप्लाई कर दो इन टू ई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया बच्चों डी टी टाइम में जो भी इस पोजिशन नंबर वन को क्रॉस करते हुए गया है ना वो टोटल चार्ज हमारे पास आ गया अब जब ये टोटल चार्ज हमारे पास आ गया बच्चों अब हमें क्या करना है आई निकालना है तो डी क्यू बाई डी टी कर देते हैं डी क्यू बाई डी टी कर देते हैं चलिए देखिए बच्चों डी क्यू बाई डी टी करते अब तो आई एज वी नो देट आई इज डी क्यू बाई डी टी और डी क्यू की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ से क्या एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई इं डी टी ठीक है बच्चों डिवाइडेड बाई डी टी ध्यान से देखो डी टी डी टी विल कैंसिल आउट डी टी डी टी विल कैंसिल आउट तो आई का एक बहुत शानदार रिलेशन हमारे पास आ गया बच्चों शानदार रिलेशन ये आ गया हमारे पास लेकिन बच्चों हमें याद क्या करना है हमें याद ऐसे नहीं करना हमने ट्रिक बनाई हुई है कि आई इज इक्वल टू वीना वीना याद रखना हमें v और नीचे डी है छोटा सा d e इंटू एन इंटू ए तो i इज वॉट वीना के बराबर है बच्चों वी डी एन ए आई इज वीना और वीना में वी डी क्या है वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों e क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है n क्या है बच्चों चार्ज डेंसिटी है a क्या है बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों अब याद करो बच्चों अगर आपने थोड़ा सा और एनालाइज किया है देखिए बच्चों कल हम लोगों ने करंट डेंसिटी के बारे में भी बात करी थी तो करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों करंट डेंसिटी इज आई बाई करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों आई बाय याद है अब ध्यान से देखो वीना वाले फॉर्मूले में आई डिवाइडेड बाय ए अगर मैं इस ए को मैं आई से डिवाइड कर दूं बच्चों तो वी डी ई एन बन जाएगा ना एंड दिस इज जे तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी रिलेशन हम लोगों को आ गया जल्दी बताइए बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों कि आई और वी डी में क्या रिलेशन है आई इक्वल टू वीना और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है तो जे दिस इज क्वस्ट टू वी डी इन ई इंटू एन जल्दी बताइए बच्चों इतना समझ में आया आपको अब जब इतना समझ में आ गया बच्चों तो हम आगे बढ़ते हैं अब देखिए अब वैसे हमने बात करी है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ और काफी लेक्चर्स में मैंने बोला कि लॉज के प्रूफ नहीं होते बट बच्चों कुछ कुछ लॉज है जिनको बाद में प्रूव किया गया जैसे आप लोग ने इलेवंथ में देखी थी कैपुलर लॉ उनके भी प्रूफ आप लोगों ने देखे थे सिमिलरली अब जितना आइडिया हम लोगों को आ गया इस लेक्चर में तो अब हम लोग थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अपने आप को ना उस लेवल पे लेके आ गए कि हम ओम्स लो को प्रूव कर सकते हैं अब याद करो ओम्स ने क्या बोला था ओम्स ने बोला था कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देता हूँ तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी ये ओम्स ने बोला था अब ध्यान से देखो ऑम्स लो अगर मैं बात करूँ कि आई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ये छोटा सा सर्किट डायग्राम देखा है बच्चों यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया इसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये आपके पास कोई भी लोड रेजिस्टेंस हो सकता है बच्चों कोई भी लोड रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे पास आर इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई बात समझ में आएगी बच्चे अब यहाँ से हमने देखो ये आई इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू वी तो बोल दिया अब इसको प्रूव कैसे करें अब ध्यान से देखना अभी अभी हम लोगों ने एक रिलेशन प्रूव किया है बच्चों आई दिस इज टू वी डी एन ए ठीक है सर अब वी डी का फॉर्मुला भी अभी अभी देखा है हम लोगों ने वी डी का फॉर्मुला ई e, टाओ e, से देखो और ई e क्या होता है बच्चों ई e का फॉर्मला हमें पता है वी बाय अगर इस इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करके फर्स्ट में रख देता हूं तो देखिए मेरे पास क्या रिलेशन बनता है तो आई दिस इज क्वेश्चन टू बच्चो वीडी देखो वी डी की वैल्यू रखो ई e, e tau by m into e एन ए अब यहाँ पे e की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दो बच्चों जैसे e की वैल्यू को रखी आपने देखे क्या मिल गया हमारे पास आई दिस इज टू ई इंटू ई स्क्वायर e की वैल्यू v बाय एल रखी हम लोगों ने बच्चों टाओ एन ए टाओ एन ए डिवाइडेड बाई एम नीचे है बच्चों इट्स अ रिलेशन नाउ अब ध्यान से देखो बच्चों i को अलग रखूँ मैं e square tau ए बाई एम इन टू एल इन अब देखिए इधर तो आई करंट आ गया इधर मेरे पास v पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अब मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ इन पांच पैरामीटर्स पे इन छः पैरामीटर्स पे बच्चों e पर tau n a m और l ध्यान से सुनना बच्चों अगर मैं बात करूँ कि मैंने एक कंडक्टर ले लिया ये वाला कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेंथ इसकी एल है और मान लो ये मैंने कॉपर का ले लिया ठीक है कॉपर का ले लिया अब ध्यान से सुनो जब तक ये कंडक्टर सेम रहेगा यानी जब तक मैं इस कंडक्टर को हटा के दूसरा कंडक्टर नहीं रखता है, तब तक की बात कर रहे और हम बात कर रहे हैं बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों अभी मैं बता देता हूं देखिए तो हमने बोला भैया जब तक कंडक्टर सेम रहेगा ए और एल ना तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने वाला ना उसका एल चेंज होने वाला दूसरी चीज़ हमने एन देखी थी बच्चों एन क्या है एन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जब तक कॉपर रहेगा जब तक कॉपर रहेगा, रहेगा तब तक एन विल रिमेन सेम तो ये भी सेम रहने वाला है बच्चों ये भी सेम रहने वाला है ये भी सेम रहने वाला है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो चेंज हो गई नहीं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी चेंज नहीं होने वाला यानी ये दोनों क्वांटिटी भी सेम रहने वाली है और हमने इसका वेरिएशन हो सकता है बट इसके वेरिएशन को हम लोग ने फिक्स करने के लिए क्या कह दिया कि भैया आप टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दो ना हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दिया टेम्परेचर ये भी हो गया यानी ध्यान से देखो ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो मैं कह सकता हूं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी देखिए जो ओम्स ने बोला था वो हम लोग यहां से प्रूव कर पाए ठीक है ना अंडर सर्टेन कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर ये बात उन्होंने भी बोली थी और ये बात हमें भी लग रहा है क्योंकि अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता चला जाएगा तो हमारा आई भी वेरी होता चला जाता है अब चलिए बात करते हैं बच्चों इस डायरेक्टली प्रपोर्शन के साइन को हटा के वी राइट आर कॉन्स्टेंट तो आई दिस इज क्वस्ट हुआ कॉन्स्टेंट क्या हो गया बच्चों यहाँ पे वन बाय आर इन टू वी आर क्या है बच्चों रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस वही है बच्चों जो कंडक्टर आपने लगाया है उसका रेजिस्टेंस और कल भी हमने देखा था कि कोई भी कंडक्टर हो सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस ना हो चलिए अब इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर वन बोल दूं और इस इक्वेशन नंबर टू बोल दूं तो इन दोनों को कंपेयर करो या इसको मैं ए बोल देता हूं वन और टू हमने लिया हुआ है इसको बी बोल देते हैं कंपेयर वन इन सेकेंड कंपेयर फर्स्ट इन सेकेंड अगर कंपेयर फर्स्ट इन सेकेंड करते हैं तो देखिए यहां से वन बाय आर का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों वन बाय आर का फॉर्मूला दिस इज़ नथिंग बट ई स्क्वेर टाओ एन ए बाई एम इन टू देखो बच्चों, तो हमने ओम स्लो को प्रूव करा दिया यहाँ से पहली बात ओम स्लो को प्रूव कराने के बाद हमने एक चीज़ और देखी बच्चों कि यहाँ से आर की भी वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है आर देखिए आर क्या हो गया बच्चों हमारे पास आर क्या हो गया बच्चों आर का फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो आर इज एम एल बाय एन ई स्क्वेर टाओ इन टू ए ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया बच्चों हमारे पास अच्छा अब एक चीज़ और बताओ बच्चों अब जब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास अब दोबारा फिर वही देखो भाई रेजिस्टेंस में देखिए एल और ए e. भाई ये कंडक्टर है ना मेरे पास मैंने ये कंडक्टर ले लिया ठीक है बच्चों जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है लेंथ एल मान ली अब मैंने दूसरा रजिस्टें मतलब कंडक्टर ले लिया मान लो ये भी कॉपर का लिया बच्चों मैंने ये भी कॉपर का लिया बट दोनों का देखो एक का एरिया ए ले लिया एक का एरिया ए वन ले लिया या ए डैश ले लिया इसकी लेंथ एल ले ली इसकी लेंथ एल डैश ले ली तो देखो ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाला का एरिया अलग अलग है एल लेंथ भी अलग अलग है तो एक चीज हमें समझ में आ गई सेम मटेरियल होने के बावजूद भी जो रजिस्टेंस होता है ना वो डायमेंशन पर डिपेंड करता है कि आप किस मटीरियल का कैसा डायमेंशन लेके चल रहे हो तो बेसिकली रजिस्टेंस डायमेंशन पर डिपेंड करता है पहली बात दूसरी बात ये देखिए अब ये वाला प्रॉपर्टी देखो m अब ये देखो ध्यान से m बाई एन ई स्क्वाओ भैया देखिए मास और e यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं आने वाला बच्चों और ध्यान से देखो ये n और टाओ क्या था अरे सर n भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थी टाओ भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी बनी मेरे पास ये एक ऐसी क्वांटिटी बनी जो डिपेंडेंट है मटेरियल पर इसको हम लोगों ने नाम दे दिया बच्चों रो एंड रो इज व्हाट इट इज रेजिस्टिविटी ठीक है बच्चों तो रेजिस्टिविटी इज व्हाट रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रेजिस्टिविटी इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बच्चों ध्यान रखना मतलब क्या हुआ मतलब जब तक हम लोग मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे तो रेजिस्टिविटी किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होने वाली तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मला और बन गया बच्चो आर दिसकोल बाय ए और याद करो बच्चों ये वो वाला फॉर्मला है जो आप लोगों ने टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू एल रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रपोर्शन टू ए और दोनों के डायरेक्टली प्रपोर्शन के साइन को हटा के वी राइट अ कॉन्स्टेंट रो रजिस्टिविटी बात समझ में आई बच्चों अच्छा अब थोड़ा सा और आपको अच्छे से बताता हूँ बच्चों एक दो चीज़ें और देखिए हमने देखा आई का फॉर्मूला था हमारे पास वी डी ई एन ए वी डी ई एन ए चलिए सर अभी अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि हमारे पास I और V में I और E में भी एक रिलेशन आता है देखिए ध्यान से VD की वैल्यू पुट करो यहाँ पर तो I का फॉर्मूला अभी अभी क्या बनाता बच्चों VD की वैल्यू E टाओ बाई एम ध्यान से सुनना बच्चों इंटू ई इंटू एन इंटू ए चलिए तो आई का फॉर्मूला देखिए क्या बना बच्चों ई स्क्त एन टाओ बाय एम ई स्क्तर एन टाउ बा इंटू ई ठीक है बच्चों ये e आ गया हमारे पास देखो अब ध्यान से अब अगर आप लोग इस वाली प्रॉपर्टी को देखो देखना ध्यान से बच्चों हाँ ई इंटू टाओ बाय ठीक है और ई e की वैल्यू क्या रखी थी हम लोगों ने e ई की वैल्यू वी बाई एल रख दी थी हम लोगों ने ठीक है ना बच्चों तो ई e की वैल्यू वी बाई एल रखो भैया हाँ। तो ई स्क्वेयर एंड टाओ ए बाई एम इंटू एल इंटू ई और हमने इसका क्या नाम दे दिया बच्चों इसका नाम दे ये दिस इज वी दिस इज़ वी ये वी है बच्चों हमारे पास दिस इज वी हाँ तो हमारे पास वी आ गया ना ये दिस इज़ वी तो हमारे पास आई दिस इज इक्व टू वन बाय आर इन टू वी एक तो ये रिलेशन आया था हमारे पास बच्चों ठीक है अब इसी में अगर देखना आप ध्यान से अगर मैं ए को डिवाइड कर दूं इस वाली इक्वेशन में देखो या इस वाली इक्वेशन में देख लो आप इक्वेशन स्टार जिसको मैंने नाम दिया स्टार इक्वेशन में क्या करो बच्चों जो ये ए है ना ए को डिवाइड करो आई बाय ए करो तो आई बाय ए देखो क्या हुआ फ्रॉम स्टार इक्वेशन में लिख देता हूँ फ्रॉम स्टार इक्वेशन I by a this is equals to e square and tau by m into e अब I by a क्या हुआ बच्चों से देखो ये जो ये वाला factor आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ये वाला this वाला factor इसको compare करो बच्चों इसके साथ इसके साथ compare करो देखिए ये inverse of resistivity है this is inverse of resistivity यानी इस वाले formula को अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान से दिखाऊं आपको तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वन बाय रो इंटू ई वन बाय रो इंटू ई अब ध्यान से सुनो बच्चों ई खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो बेसिकली ये एक वेक्टर लॉ आ गया बच्चों दिस इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म याद रखना बच्चों दिस इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यानी ई का फॉर्मला यहां से क्या आ गया बच्चों रो इन जे अच्छा बच्चों ये जो वन बाय रो होता है ना जिस इसको वन बाय रो को हम बोलते हैं सिग्मा एंड दैट इज कंडक्टिविटी रो क्या होता है रेजिस्टिविटी सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी तो कंडक्टिविटी की टर्म्स में भी, भी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो दिस इज नथिंग बट जे वैक्टर दिस इज क्वस्ट टू सिग्मा इन टू ई वेक्टर वैक्टर बात समझ में आई बच्चों तो वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मला ये ज़्यादा यूज़ में आता है तो अगर आपसे कोई पूछे राइट डाउन ओम्स स्लो इन वेक्टर फॉर्म तो वो भी हमें पता होनी चाहिए तो मैंने बेसिक एनालिसिस आप लोगों को सब करा दिया है कि कैसे कैसे हम लोग ई e के वेरिएशन देख सकते हैं आई और वी डी में रिलेशन देख सकते हैं उस रिलेशन रिलेशन से कैसे कैसे हम लोगों ने ओम्स को प्रूव किया फिर ओम्स लो इन वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों ने देखी एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ई इक्वल टू रो इन टू जे अच्छा एक चीज़ और बच्चों यहाँ पर जो यहाँ पर ये वाला रिलेशन आया है ना देखो ओम्स ने क्या बोला था ओम्स ने बोला था आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए और कैसे क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत यूज आता है अब एक बात बताओ जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे आई भी तो बढ़ेगा वैसे वैसे आई भी तो बढ़ेगा बात समझ में आई ना चलिए अब इसको यहाँ पे होल्ड रखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग और ये जब टॉपिक हम यूज़ करेंगे तो ध्यान रखना आप इसका आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स गलत देते हो बट अभी भी हिंट के लिए आपको छोड़ के जा रहा हूँ इसको याद रखना दिमाग में बिठा के रखना चलिए बच्चों तो बच्चों अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ध्यान से सुना अ कॉपर वायर हैज अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल ठीक है एक कॉपर वायर है बच्चों जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल है तो कुछ ऐसी वायर होगी वो ठीक है स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल है जैसे हम लोगों ने देखा वैसे हमारे पास सर्कुलर होती है सिलेंडिकल शेप इसमें स्क्वायर है चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो कुछ ऐसी वायर है वो इसका जो क्रॉस सेक्शनल साइड है बच्चों साइड गिवन है हमें सिक्स एम एम ठीक है दी वायर इज टेन मीटर लॉन्ग यानी एल की वैल्यू हमें टेन मीटर दे दिया है बच्चों कैरीज अ करंट ऑफ आई की वैल्यू हमें दे दिया है बच्चों थ्री पॉइंट सिक्स एम्पियर द डेंसिटी डेंसिटी बच्चों एन भी दे दिया हम लोगों को एन की वैल्यू कितनी है एट पॉइंट फाइव इंटू टेन की पावर ट्वेंटी एट पर मीटर क्यूब अब ध्यान से देखो बच्चों ये इतना नंबर ऑफ डेंसिटी देख रहे हो आप टेन की पावर ट्वेंटी एट इतने अमाउंट में ये फ्री चार्ज डेंसिटी होती है बहुत हाई नंबर होता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी यानी हमें जे कैलकुलेट करना है बच्चों तो जे का फॉमुला क्या होता है जे का फॉर्मला तो हमें पता है आई बाई ए बच्चों अब जो कि हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर दे दिया है बच्चों स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर यानी बेसिकली हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ए स्क्वायर कर देंगे तो सिंपल ये तो फॉर्मुला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं आई की वैल्यू थ्री पॉइंट सिक्स है, है बच्चों और इसका ए स्क्वायर करेंगे विल गेट द आंसर ठीक है सेकंड बोला गया द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर यानी हमें ई e कैलकुलेट करना है बच्चों ओके okay. अब ई e कैलकुलेट करना है हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द वायर ये भी निकालना है हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है बच्चों और गिवन क्या है हमें रो गिवन है ओले रो दे दिया बच्चों हम लोगों को ध्यान से देखना 1.72 पॉइंट सेवन टू इंटू टेन की पावर माइनस एट मीटर तो अभी अभी तो फॉर्मूला पड़ा है ई इक्वल टू रो इंटू जी जे हम ऊपर निकाल चुके हैं जे हम ऊपर निकाल चुके हैं तो ई e का फॉमूला क्या हो जाएगा बच्चों ई e का फॉर्मूला आ जाएगा रो इन टू जी रो हमें गिवन है जे हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा अब टाइम कितना लगा तो टाइम के लिए क्या करो बच्चों टाइम निकालने के लिए क्या करो देखो लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ईट आओ बाई एम ईट आओ बाई एम तो देखो ई e की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों हम ई की वैल्यू ऊपर निकल चुकी है tau हमें गिवन है क्या रिलैक्सेशन टाइम कैसे निकाले चलिए देखो अभी हमारे पास टाइम निकल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और फॉर्मूला कैसे निकाले तो और फॉर्मूला हम लोगों के लिए किसके टर्म्स में आ सकता है ड्रिफ्ट स्पीड का तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर हमको देखना है कि ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है बच्चों ई टाओ बायम तो बच्चों हमें क्या करना है भाई हमें यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी अब ड्रिफ्ट स्पीड कैसे निकाले टाव तो नहीं पता हमें तो सर हमें एक रिलेशन और पता आए दिस इज क्वस्ट टू वीना तो यहाँ से वी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आई बाई ई एन ए आई बाई ई एन ए अब देखो ध्यान से तो अब हमारे लिए यहाँ पर रख दो वैल्यू तो टाइम पीरियड देखिए क्या आ गया बच्चो एल बाय आई ई एन ए अब हमें सारी वैल्यूज पता है जल्दी बताइए बच्चों क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा और अच्छा क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बात समझ में आई बच्चों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था बच्चों रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा है रेजिस्टेंस का फॉमूला एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाओ इन टू ए ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है अब बच्चों देखिए अगर आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा ना वो ऐसा मिलने वाला है लेकिन यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं टेडी मेडी वायर अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए बच्चों पहला पॉइंट तो ये कि रेजिस्टेंस अभी हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल देखा था कॉपर के दो अलग अलग कंडक्टर्स ले थे दोनों का लेंथ और तो एरिया क्रॉस एक्शन वेरी कर दिया था तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रजिस्टेंस जो है ना बच्चों वो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आप कैसा कंडक्टर लेके चल रहे हो छोटा कंडक्टर बड़ा कंडक्टर मोटा कंडक्टर पतला कंडक्टर डायमेंशन पर डिपेंड करता है पहली बात दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखो बच्चों इस रेजिस्टेंस के फॉर्मले में एन भी आ रहा है और टाओ भी आ रहा है और एनोटाओ किसकी प्रॉपर्टी है ये तो मटीरियल की प्रॉपर्टी है सर तो आप जैसे जैसे मटीरियल चेंज कर देंगे वैसे वैसे और एनोटाओ भी चेंज हो जाएगा तो दूसरी बात कि डिपेंड्स ऑन मटीरियल इट डिपेंड्स ऑन मटीरियल एंड तीसरा एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये आप लोगों ने शायद टेंथ स्टैंडर्ड में ना पड़ा हो कि रेजिस्टेंस है ना बच्चों चेंज हो जाता है जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक कंडक्टर था ध्यान से सुना बच्चों इसकी ये वाली लेंथ ए मान ली ये वाला मैंने बी मान लिया अगर मैंने माना करंट ऐसे जा रहा है आई तो रेजिस्टेंस अलग होगा मैंने माना करंट ऐसे जा रहा है आई तो रेजिस्टेंस अलग होगा ऐसा होता है क्या सर बिल्कुल होता है बच्चों चलिए उसी पे हम चर्चा करते हैं अब ध्यान से देखो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है रो एल बाय ए बच्चों रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ठीक है ना लेकिन जो ये एल और री होता है ना इनको सेलेक्ट करना हमारे हाथ में तो एल क्या है एल वो वाली लेंथ लेके चलेंगे विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट जो करेंट जिस डायरेक्शन में चल रहा है ना अपन को तो वो वाली लेंथ लेके चलनी है वो वाली लेंथ दैट्स इट और एरिया सर एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू दी फ्लो ऑफ करंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहां पर एक क्यूबॉइड बनाता हूं ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है ध्यान से सुनना बच्चों इट्स अ क्यूबॉइड ठीक है ये साइड मैंने ए मान ली बच्चों दिस इज ए मैंने ये मैंने बी मान लिया बच्चों दिस इज बी एंड ये मैंने मान लिया बच्चों सी ठीक है इट्स अ क्यूबॉइड ठीक है सर अब जो मैंने करंट की डायरेक्शन है ना बच्चों इस केस में करंट की डायरेक्शन मैंने ये मानी दिस इज़ फर्स्ट केस बोला गया फाइंड आउट द रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस निकालना क्या मुश्किल है सर अब देखिए रेजिस्टेंस के लिए क्या करें तो आर वन बोल देता हूँ बच्चों रो इसकी रेजिस्टिविटी रो है मान ली तो रो तो रो रहेगा बच्चों अब एल क्या है देखिए करंट ऐसे चल रहा है ना तो इस डायरेक्शन में देखो कौन सी लेंथ है तो ये डायरेक्शन है सर ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चों ये लेंथ कौन सी है ए तो L इज़ इक्वल टू ए यहाँ पर L की वैल्यू A हो जाएगी अब इस करंट के परपेंडिकुलर एरिया देखिए तो परपेंडिकुलर एरिया सर ये वाला एरिया है अब जो कि एक रेक्टेंगल शेप बनेगा तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों ये वाली लेंथ B और ये वाली लेंथ C तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों एरिया हो जाएगा बी इंटू सी तो रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों रो एल एल की वैल्यू ए और एरिया की वैल्यू बी इंटू सी चलिए सर अब डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं बच्चों डायरेक्शन अब मैंने ये मान लिया बच्चों डायरेक्शन अब डायरेक्शन अगर ये मान ली तो करंट देखिए अब ऐसे आ रहा है बच्चों तो लेंथ कौन सी है ये वाली लेंथ हो गई यानी अब हमारे पास एल की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों एल की वैल्यू हो गई हमारे पास सी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब ये हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर यानी दिस इज एंड दिस इज बी तो एरिया कितना हो गया बच्चों बी इन टू ए तो आर टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों आर टू की वैल्यू हो जाएगी बच्चों रो सी बाई बी इन टू ए देखिए सेम मटेरियल है बच्चों सेम कॉन्फिग्रेशन थी बट हमने क्या किया कॉन्फिग्रेशन चेंज की डायरेक्शन चेंज की तो करंट भी चेंज हो गया तो आपको याद क्या रखना है कि रो एल ए में एल वो है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो वाली लेंथ लेके चलनी है और एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट वो लेके चलना है अब याद करो बच्चों इसमें मैं छोटी छोटी बातें ऐड करता हूँ कि हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रो एल बाय ए और ऑम स्लो ने क्या बोला v इक्वल टू तो आई आर तो i की वैल्यू है v बाई आर अब ना माई क्वेश्चन इज जैसे जैसे मैं i की वैल्यू हो गई v बाई आर और r की वैल्यू निकाल लो बेसिकली v बाई आई अब माई क्वेश्चन इज जैसे जैसे मैंने v को बढ़ाया v को बढ़ाने से r पे क्या फर्क पड़ा अब मैक्सिमम बच्चा पता क्या कहता है कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नहीं बच्चे नहीं याद करो i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v होता है इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वी जैसे जैसे वी बढ़ाओगे आई बढ़ेगा वी बढ़ाओगे आई बढ़ेगा यानी अल्टीमेटली रेशियोन कॉन्स्टेंट तो हमें क्या चीज याद रखनी है R इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड I. भाई R तो इन पर डिपेंड ही नहीं करता R के तो फैक्टर देखे हमने तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करेंट मटीरियल और डायमेंशन ये वी ओर आई का तो कोई रोल आया ही नहीं था बट हमें एक चीज़ समझ में आती है मैक्सिमम केसेज में अपन लोग ये देखते हैं कि भैया हाँ ऐसा कुछ फॉमला है तो बच्चा देख लेता वी बड़ा है आर बड़ा है आई बड़ा है आर घटा है नहीं वी और आई इंडिपेंडेंट है पहली बात दूसरी बात अगर मेरे पास एक एक कंडक्टर है बच्चों जिसकी लेंथ ट्वेल्व मान लेते इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है रजिस्टिविटी रो है रजिस्टेंस आर है अब मैं इस मटेरियल के अगर टुकड़े कर देता हूँ मान लो मैंने इसको दो हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों चलो तो एक पार्ट ये बन गया हमारे पास एक पार्ट ये बन गया बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहा बच्चों लेंथ चेंज हो गई अब जैसे ही लेंथ चेंज हुई तो पहली बात तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया कन्फर्मड है क्योंकि जैसे कॉन्फिग्रेशन चेंज करी रेजिस्टेंस चेंज हो गया दूसरी बात बट क्या चीज़ चेंज नहीं होगी सर रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी इसकी अभी भी रो रहेगी इसकी भी रो रहेगी यानी रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इस कंडक्टर के मैं एक हजार टुकड़े भी कर लूंगा ना बच्चों तो भी रेजिस्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं आने वाला बट हाँ रेजिस्टेंस चेंज होता चला जाएगा चलिए जल्दी बताइए बच्चों आज का लेक्चर समझ में आया क्या इसी उम्मीद के साथ कि आज काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पड़े और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे चलिए गाइस कल मिलते हैं नए लेक्चर नए कॉन्सेप्ट के साथ जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू